बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल स्टडीज की और हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि गुप्त काल को स्वर्णिम क्यों कहा जाता है, तो इसी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुप्त काल की प्रमुख वास्तुकला को। ठीक है, तो गुप्त काल की वास्तुकला पर हम लोग बात करेंगे। तो वास्तुकला का मतलब होता है कि इस काल में जो बड़े बड़े भवन बने उन सब पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो गुप्त काल में अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ, बहुत सी गुफाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ में बहुत सारे चैत्य बने, विहार बने और स्तूप बने। ठीक है, ये चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, ये स्तूप क्या होते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो से बनाया है, तो जो लोग उसे देखेंगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी। गुप्त काल में जो दो बड़े मंदिर बने या तीन कह लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनमें सबसे पहला जो मंदिर है ये है दशावतार मंदिर। ठीक है, ये दशावतार मंदिर जो है ये झांसी में स्थित है और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। ठीक है, इससे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त काल का ये सबसे बड़ा अवशेष है। ठीक है, गुप्त काल का ये सबसे बड़ा अवशेष है और प्राचीन भारत का ये सबसे बड़ा शिखर युक्त, यानी जिसमें शिखर होता है वो ये शिखर युक्त मंदिर है। ठीक है, इससे पहले मंदिरों का निर्माण नहीं होता था, गुप्त काल में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और ये प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। कौन सा, तो झांसी का दशावतार मंदिर। इसके बाद दूसरा मंदिर याद रखिएगा, कानपुर का भीतर गांव मंदिर। ठीक है, कानपुर का भीतर गांव मंदिर, इसका निर्माण भी गुप्त काल में हुआ और ये गुप्त काल में जो स्थापत्य कला का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद नागौर। ठीक है, नागौर से प्राप्त भूमरा शिव मंदिर। ठीक है, ये नागौर का भूमरा शिव मंदिर, इसका निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ और ये गुप्तकालीन स्थापत्य कला का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया बहुत सारे चैत्य विहार अट्टालिकाओं से युक्त वैभवशाली जो नगर थे इनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। इन्हीं के आलोक में गुप्त काल को स्वर्णयुग की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वास्तुकला के बाद में बात कर लेते हैं मुद्रा कला। ठीक है, मुद्रा कला, इसमें थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस ले जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। सबसे पहले जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे ये जारी करने वाले थे इंडो ग्रीक शासन, जिसे हम लोग हिंदी यवन या यवन भी कहते हैं। सर्वप्रथम अगर स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए पूछा जाए तो आपको बताना है यवनों ने या इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले जो थे ये कुषाण थे। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जो जारी किए ये जारी किए थे किसने, तो ये जारी किए थे गुप्तों ने। ठीक है, तो सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले गुप्त थे और गुप्त में ही बात करेंगे। गुप्तकालीन अभिलेखों में सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है, तो गुप्तकालीन अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे आप याद रखिएगा, ये प्रश्न में आता है। ठीक है, तो गुप्तकालीन सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के जारी किए इन सिक्कों में एक और इसके स्वयं का चित्र है और साथ ही साथ इसकी पत्नी कुमार देवी का चित्र है। मतलब सिक्के के एक पहलू पर इसका खुद का और कुमार देवी का चित्र है और दूसरे साइड में जो है ये शेर पर, यानी सिंह पर आसीन, शेर पर आसीन दुर्गा का चित्र है। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके, एक और खुद का या कुमार देवी का, और दूसरी और जो है ये सिंह पर आसीन दुर्गा का चित्र है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है ना, याद रखिएगा ये किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। इसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त के। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में दो तीन बातें बराबर आती है कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर पहली बात है कि इसे वीणा बजाते दिखाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये इसने बहुत सारे राजाओं को हराया था
और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, इसीलिए इनके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं जारी की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा जो थी ये गरुड़ मुद्रा थी। ठीक है, तो गरुड़ मुद्रा अगर पूछता है तो ये भी बताना है समुद्रगुप्त का। साथ ही साथ पूछेगा कि व्याघ्र प्रकार की मुद्राएं किसने जारी की थी, तो व्याघ्र प्रकार की मुद्राओं के साथ में भी नाम जुड़ेगा समुद्रगुप्त का। इसके बाद एक और शासक को याद रखिएगा जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको याद हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये स्त्री वेश में शक राजा के कैंप में जाकर के शक राजा का अंत करता है, और इसी उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो पूछता है कि किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, तो ये चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो मुद्रा कला में लगभग आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके साथ साथ गुप्त काल में जो है ये विज्ञान की भी काफी प्रगति हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी की भी उन्नति जो है ये गुप्त काल में काफी अधिक हुई है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं तो भिन्न है ना, हम लोग जानते हैं ना भिन्न यानी और दशमलव, ये भिन्न और दशमलव का जो आविष्कार है ये गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, यानी भिन्न और दशमलव की खोज गुप्त काल में हुई है। एक वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, एक वैज्ञानिक है आर्यभट्ट, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा वराह मिहिर। ठीक है, आर्यभट्ट और वराह मिहिर। ठीक है, ये दो जो थे ये खगोल के महान वैज्ञानिक थे, इनकी पुस्तकों से भी प्रश्न पूछा जाता है। आर्यभट्ट की पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम, और वराह मिहिर की पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत। ठीक है, तो आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत जो है ये दोनों पुस्तकें हैं खगोल की। ठीक है, तो ये खगोल विज्ञान की पुस्तकें हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, और ये दोनों खगोल के महान विद्वान थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, ये इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, अब इस काल के जो प्रमुख वैद्य थे या इस काल के प्रमुख चिकित्सक थे, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इस काल के जो विश्वविख्यात चिकित्सक थे, एक का नाम था आपका सुश्रुत, एक का नाम था सुश्रुत, और जो दूसरे चिकित्सक थे इनका नाम था धन्वंतरी, धन्वंतरी। ये इस काल के दो प्रकांड जो चिकित्सक थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि इस काल की प्रमुख चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकों पर, तो इस काल की चिकित्सा शास्त्र की पुस्तक का नाम है, इस काल की दो प्रमुख चिकित्सा शास्त्र की पुस्तकें थी, एक था नवनीतकम है ना, ये मनुष्यों की चिकित्सा की पुस्तक थी नवनीतकम, और दूसरी पशु चिकित्सा की पुस्तक थी। ठीक है, और पशु चिकित्सा की पुस्तक का नाम था अश्वसूत्र। ठीक है, तो ये जो अश्वसूत्र है ये पशु चिकित्सा की पुस्तक थी, और पशु चिकित्सा की और भी पुस्तक थी जैसे हस्तायुर्वेद। ठीक है, तो ये सब आपको पूछे जा सकते हैं, हस्तायुर्वेद, अश्वसूत्र पशु चिकित्सा की पुस्तकें थी, और नवनीतकम जो थी ये चिकित्सा शास्त्र की प्रमुख पुस्तकें थी। तो इस तरह से इस काल में जो है ये विज्ञान भी काफी उन्नत दशा में था, और विज्ञान की भी काफी उन्नति थी। विज्ञान के बाद आइए अब देखते हैं साहित्य की, कि इस काल में साहित्य की क्या प्रगति। गुप्त काल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न विधाओं का विकास हुआ, तो इसमें साहित्य की भी जो है ये काफी ज्यादा उन्नति हुई। इस काल में कालिदास, वराह मिहिर जैसे महान महान विद्वान हुए। तो आइए कुछ हम देख लेते हैं कुछ विद्वान और उनकी रचना, जिससे एग्जाम में मिलान करने के लिए, मैचिंग के लिए प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसे आपको याद कर लेना है। जैसे एक साइड मैंने रचना है और एक साइड प्रश्न रचनाकार और एक साइड रचनाएं लिखी है। जो महान रचनाकार थे कालिदास, ठीक है, कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थी जैसे कि मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, माला विकाग्नि मित्रम। ये माला विकाग्नि मित्रम का नायक जो है, इसका जो हीरो है इसका नाम है अग्निमित्र। ठीक है,
ये अग्निमित्र किस वंश का शासक था, तो ये शुंग वंश का शासक था, इसे याद रखिएगा, ये पूछता है, ठीक है। इसके बाद आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने दो पुस्तकें लिखी, आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत। अभी मैंने पहले बता दिया था कि वराहमिहिर ने सूर्य सिद्धांत लिखी, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, आर्यभट्ट ने ही लिखा है। आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत दोनों खगोल विज्ञान की पुस्तकें हैं, और आर्यभट्ट वो पहले विद्वान है जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये इन्होंने प्रायोगिक रूप से सिद्ध भी किया था। वराहमिहिर की प्रमुख पुस्तक है बृहत संहिता। बृहत संहिता जो है ये ज्ञान का अपार भंडार है, ज्ञान का अद्भुत खजाना है। ब्रह्मगुप्त ने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्म सिद्धांत भी जो है ये खगोल की पुस्तक है, ठीक है। कामंतक ने लिखा नीति शास्त्र, वात्स्यायन ने लिखा काम सूत्र, विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र, ठीक है। ये पंचतंत्र जो है ये पूरी दुनिया में बाइबिल के बाद दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, और इसकी भी रचना गुप्त काल में हुई है, ठीक है। इसके बाद विशाखदत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम। ये जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें लिखा है कि किस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये शक राज के कैंप में स्त्री वेश में जाते हैं और उनका अंत करते हैं, वो जो पूरा प्रकरण है उसका वर्णन इसी पुस्तक में है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, और उसको लिखा है विशाखदत्त ने, ठीक है। इसके बाद एक अन्य विद्वान थे भट्टी, इन्होंने लिखा है रावण वधम। शूद्रक ने लिखा है वृक्षकटिकम। सुबंधु ने लिखा है वासवदत्ता, या इसे स्वप्न वासवदत्ता भी कहा जाता है। दंडी ने लिखा दस कुमार चरित, और प्रवरसेन ने लिखा है सेतुबंध महाकाव्य। ये प्रवरसेन जो थे ये खुद एक राजा थे, और किस वंश के थे, तो ये वकाटक वंश के राजा थे, ठीक है। वकाटक वंश के, वही वकाटक वंश जिस वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था, तो ये प्रवरसेन जो है ये वकाटक वंशी राजा थे जिन्होंने सेतुबंध महाकाव्य लिखा। तो इस प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त में हमने गुप्त काल को खत्म किया है, ठीक है। और उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप दो तीन बार अच्छे से देख लेते हैं तो परीक्षा में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आएगा, आज की क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे हर्षवर्धन के काल में, और इसी के साथ विधिवत रूप से हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।